रीवा में पुलिस ने चिप्स और कुरकुरे से लोड कंटेनर से अवैध गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत करीब 1,42,00,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा के निर्देशन में अवैध गांजे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मऊगंज थाना पुलिस के द्वारा मऊगंज के बाईपास में चिप्स और कुरकुरे से लोड कंटेनर को तकरीबन 10 क्विंटल गांजे के साथ पकड़ा गया। रीवा संभाग में पुलिस के द्वारा अवैध नशे के कारोबार पर शिंगंजा कसने के लिए ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नशीली सिरप के साथ ही गांजे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। गांजे की तस्करी में बड़े नेटवर्क के होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि यह गांजे की खेप आंध्र प्रदेश से रीवा लाई जा रही थी। गांजे का अवैध कारोबार करने वाले अपराधी पहले छत्तीसगढ़ के मार्ग से गांजे की खेप रीवा लाया करते थे, जिस पर पुलिस की टीम सक्रिय हुई, तब उन्होंने आंध्र प्रदेश के नागपुर के रूट से लाना शुरू कर दी। तो पूरी समय चेकिंग के दौरान फिर हम लोगों को एक बड़ा कंटेनर मिला था। उस कंटेनर का चेकिंग के बाद पहले उन्होंने कहा था कि उसके यहाँ पर वही कुरकुरे का वो सामान पूरा भरा हुआ था, मगर उसी का इन्फॉर्मेशन हम लोग को आसपास मिला कि इस प्रकार का ही है। तो फिर हमने उसको रोक के चेक किया। चेक करने पे हमें 952 केजी वो गांजा पकड़ने में सफलता, 53 पैकेट्स में हम लोगों को सफलता मिला। मैं इसी आपके माध्यम से हम लोग सब लोग एक ही का उद्देश्य है आपका और हम लोगों का, समाज में ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।